साहित्य अकादमी का अवार्ड तो नहीं मिलेगा नहीं शीर्षक है शोध कहानी सुनकर आप अंदाजा लगा लेंगे उसकी विषय वस्तु का मुझे पूरा विश्वास है दो देशों के राजाओं में कई वर्षों से उनके कुछ एक कट्टर नागरिकों सहित भयंकर तनाव था यद्यपि एक ऐसा भी जमाना हुआ करता था जब पटने और नवीन नामकरण से पूर्व दोनों देश एक दूसरे के साथ दूध और चीनी की तरह घुले हुए थे एक ही नाम के घर और छत की छत्र छाया में रहते थे यहाँ तक कि आज़ादी की जंग भी एक साथ लड़ी थी किंतु एक साजिश के बाद एक त्रासदीपूर्ण विवाद की घटना भी हुई इसके बाद दोनों देश अलग अलग हो गए थे एक देश थोड़ा छोटा हो गया कहना ना होगा कि दूसरा देश थोड़ा सा बड़ा ही रहा लेकिन आज़ादी के बाद ही किसी न किसी बात पर सालों से दोनों अक्सर ताड़ ठोक कर लड़ने को तैयार हो जाते थे कभी खेलों के मैदान पर तो कभी सरहद के आसपास वाक युद्ध का तो कहना ही है बच्चे बूढ़े सभी उम्र के पुरुष और औरतें इस इन अंधहीन वाक युद्धों में शामिल हुआ करते थे शामिल रहा करते यह कहना गलत ना होगा कि वाक युद्ध दोनों देशों के नागरिकों की दिनचर्या का एक जरूरी अंग हो गया था आखिरकार एक तीसरे राजा के पहल पर दोनों राजा संधि और शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए यह तीसरा राजा दुनिया के सबसे बड़े देश का राजा था दुनिया के अन्य मुल्कों के राजाओं के कान पे खड़े हो गए क्योंकि गाहे बगाहे किसी न किसी रूप में सबका अपना अपना स्वार्थ इन दोनों देशों से सिद्ध होता रहता था शांति और संधि वार्ता के बाद दोनों राजा इस बात पर राजी हुए कि बहुत हो चुका बेकार में दोनों देशों के नागरिकों का खून जलता रहता है शांति के अलावा अब कोई रास्ता नहीं वगैरह वगैरह दोनों को एक दूसरे का अच्छा दोस्त बनकर रहने की कोशिश करनी चाहिए इस कोशिश की सफलता के लिए कुछ सफेद कबूतरों का होना जरूरी था सफेद कबूतरों पर इस बात का पूरा भरोसा किया जा सकता था कि वे शांति का संदेश फैलाने में पूरी तरह सफल होते रहे उन्होंने निर्णय लिया कि दोनों देशों में अपने अपने प्रशिक्षित कबूतरों की फौज भेजी जाए इन कबूतरों की चोंच में एक कागज पर टुकड़ा दबा होगा उस टुकड़े पर अंग्रेजी में शांति बनाए रखने की बात ऐसी लच्छेदार और मखौली भाषा में लिखी जाएगी जिसे पढ़कर दोनों देशों के नागरिकों की जबान से शांति के लिए लार टपकने लगेगी अंग्रेजी भाषा में इसलिए कि आज भी यह दोनों देशों के नागरिकों की प्रिय भाषा है तो इस तरह अंग्रेजी के जरिए कबूतर दोनों मुल्कों में शांति का संदेश फैला सकेंगे हम बिना किसी विवाद के एक दूसरे के शांति प्रिय पड़ोसी से हो सकेंगे पहले राजा ने कहा लेकिन भाई साहब एक चिंता फैल जा रही है दूसरे मन में आशंका थी क्या भाई कहीं कागज का टुकड़ा गिराने से पहले कबूतरों ने हमारी प्यारी आवाम के ऊपर बिट कर दिया तो फिर तो दोस्त एक नई जंग की बुनियाद पड़ सकती है उपाय के लिए दोनों ने तीसरे देश के राजा की तरफ देखा तीसरा राजा मुस्कुराया देखो दोस्तों हमारे देश में जीव वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर रहे हैं कि किस प्रकार गहन शोध के द्वारा शांति के प्रतीक मासूम कबूतरों की ऐसी नस्ल पैदा की जाए जो किसी भी देश की जनता के सिर पर भिट न करे भाई ऐसा करते हैं कि कुछ वैज्ञानिक हम आप दोनों देशों के देशों में शोध करने के लिए भेज देते हैं आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं थोड़ा छोटे देश के राजा ने भावुकता में डूबते हुए कहा आप हमारी दोस्ती के लिए कितना सोचते हैं और एक हम हैं थोड़ा बड़े देश के राजा ने कहा दोनों की संजीदगी देखकर तीसरे देश के राजा ने दोनों को अपने अंदर के छिपे कमीनेपन के साथ गले लगा दिया ये और बात है कि तीसरे देश के जीव वैज्ञानिकों द्वारा आज भी ऐसे कबूतर पैदा नहीं किए जा सके हैं जो बिट ना करें तो शोध जारी है कभी कभार छोटे बड़े में जंग हो जाया करती है इसका कोई बुरा नहीं मानता क्योंकि उन्हें विश्वास है कि शोध का सार्थक परिणाम एक दिन अवश्य आएगा तो शोध आज जारी है